जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम वाक्य पढ़ रहे थे। हमने पूरे वाक्य की वीडियोस पूरे कर लिए हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तीन तीन या चार सेक्शन में हमने वीडियो डाला है, तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रहेगा शुद्धिकरण, है ना। वाक्य को कैसे शुद्धिकरण लिखा जाए, ये आता है ना, वाक्य अशुद्ध अशुद्ध में क्वेश्चन आता है, उसी का हम नियम देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले पूरे वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आए तो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ, है ना। वाक्य में कर्ता जो है कारक चिन्ह के साथ नहीं है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। अच्छा, वाक्य में कर्ता जो है कारक चिन्ह के साथ नहीं है, वाक्य में जो क्रिया है, वाक्य में जो कर्ता है, अगर कारक चिन्ह के साथ नहीं आया है ना, बिना कारक चिन्ह के साथ आया है, तो वो क्रिया जो है कारक के आधार, कर्ता के आधार पर होती है, ठीक है। अब कर्ता क्या है, कारक क्या है, कर्म क्या है, कारक चिन्ह क्या है, ये सब आप पीछे की वीडियो में देखते जाइएगा, मैं केवल आपका वाक्य शुद्धिकरण बताऊंगा। जैसे वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, वृक्ष में शुद्ध हवा देते हैं, यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं लग रहा है ना, जैसे ने, कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो नहीं लग रहेगा, और कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने है, तो इसमें ने कहीं भी नहीं लगा रहेगा। उसके बाद जो इसका जो क्रिया रहेगा वो कर्ता के अनुसार होगा। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, वृक्ष हमें शुद्ध हवा या फिर हवा देते हैं, हवा देते हैं, ठीक है। वृक्ष हमें हवा देते हैं, वृक्ष हमें हवा देते हैं, या फिर यदि हम अगर ने लिख देते तो क्या होता है, वृक्ष ने हमें हवा देते हैं, ऐसे नहीं हो सकता था। अगर ने ने लिख देते तो ये जो जो क्रिया है ना, वो कारक चिन्ह के हिसाब से बदल जाती। जो ने है वो हमारे, अगर ने ने लिख देते, कारक लिख देते, तो ये जो लिखे ना देते क्रिया, वो हमारे अलग रूप से बनता। जैसे देखते हैं, वृक्ष ने हमें शुद्ध हवा दिए हैं, जैसे लिख लीजिए, देखिए, वृक्ष ने हवा दिए हैं, हवा दिए हैं, देखिए, देते हैं और दिए हैं, ये जो वृक्ष जो लिखे हैं ना, देते हैं जो हम वृक्ष के अनुसार लिखे हैं, और जो दिए हैं वो हम ये जो ने लगे हैं उसके अनुसार दिए हैं, ठीक है। तो ये क्रिया जो है कारक और कर्ता के अनुसार चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार आपको समझते रहना है, जब नए वाक्य आते रहेंगे। यदि कर्ता कारक चिन्ह के साथ है और कर्म चिन्ह के साथ नहीं है, देखिए, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, चिन्ह के साथ नहीं है तो क्रिया कर्म के अनुसार होगा, क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगा। जैसे सविता ने सेब खाया, सविता ने सेब खाया, सविता ने सेब खाया, से राम ने सेब खाया, से लिख देता हूँ, है ना, राम ने सेब खाया। अब देखता हूँ, सीता ने सेब खाया, देखिए यहाँ जो यहाँ पे जो राम है, जो कर्ता है, वो अपने कारक चिन्ह के साथ आया है, सीता भी कारक चिन्ह के साथ आई है, लेकिन हमने खाया और खाया दोनों शब्द एक ही लिखे हैं दोनों के लिए, जबकि राम पुरलिंग है और सीता स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि कर्ता जो है अपने कारक चिन्ह के साथ आया है और कर्म जो है चिन्ह के साथ नहीं आया है, इसलिए हमने इसको सेम लिखा, सेब के अनुसार लिखा है। ये जो खाया शब्द है ना, ये सेब के अनुसार लिखा गया है, ना कि राम या फिर सीता के अनुसार। तो ये होगा, यदि कर्ता कारक चिन्ह के साथ है और कर्म कारक चिन्ह के साथ नहीं है तो क्रिया के अनुसार, तो कर्म जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार, तो यहाँ पे सेब कर्म है, तो कर्म के अनुसार ये होगा। फिर से उदाहरण देखिए, यहाँ पे क्रिया क्या है, खाया, कर्म क्या है, सेब, और कर्ता जो है सीता और राम है। तो यही बोल रहे हैं कि यदि कर्ता जो है
कर्म के साथ आ गया, सॉरी कर्ता जो है अपने चिन्ह के साथ आ गया, कारक चिन्ह के साथ, और जबकि कर्म नहीं आया है अपने कारक चिन्ह के साथ, तब जो 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 क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी, जो क्रिया जो होगी वो कर्म के अनुसार होगी, ऐसा बोले। चलिए, और यदि अगर कर्म के साथ आता तो क्या लिखते हैं, सीता ने सेब को खाई, खाया, ठीक है, ये एक ही बात हो जाएगा, अलग देखते हैं नेक्स्ट। इसमें वाक्य में कर्ता कर्म कारक चिन्ह के साथ है तो क्रिया एक वचन पुरलिंग अन्य बहुपुरुष होगा। यदि वाक्य में कर्ता कर्म दोनों चिन्ह के साथ आ गया तो क्रिया एक वचन पुरलिंग और अन्य पुरुष होगा, ठीक है। वाक्य में कर्ता कर्म के साथ आ जाता है, जैसे अभी उसमें मैं बता रहा था इसलिए, है ना, ये तो क्या होगा, एक वचन पुरलिंग होगा, एक वचन पुरलिंग होगा। जैसे दीपा ने माँ ने बच्चे को सुलाया था, दीपा ने सोहन को पीटा, दीपा ने सोहन को पीटा, या फिर ये उसी को देख लेते हैं, जैसे पहले उदाहरण देखा था उसी को देखता हूँ मैं, सीता ने सेब को खाया को खाया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्रिया क्या है तो क्रिया खाया है, कर्म क्या है तो सब है, सेब है, और कर्ता क्या है तो सीता है। लेकिन यहाँ जो पिछले वीडियो हमने पिछले उदाहरण में क्या देखा था कि सेब जो है अपने चिन्ह के साथ नहीं आया था, ठीक है, चिन्ह के साथ नहीं आया था, और यहाँ को के साथ आया है, ये भी को के साथ आया है, ने के साथ आया है, तो ही बोला है कि जो जो क्रिया होगी वो एक वचन होगी और अन्य पुरुष और पुरलिंग के अनुसार होगा। तो ये खाया जो है एक वचन है और पुरलिंग के अनुसार है, खाए बोले तो बहुवचन हो जाता। इसमें एक और उदाहरण देख लेते हैं कि दीपा ने सोहन को पीटा, है ना, दीपा ने सोहन को पीटा, देखिए पीटा है, ये देखिए दीपा स्त्रीलिंग है, सोहन पुरलिंग है, लेकिन ये सोहन के अनुसार ये पीटा नहीं लिखा गया है, ये क्योंकि कर्म और कारक, सॉरी कर्म और कर्ता दोनों कारक चिन्ह के साथ आया है, इसलिए जो क्रिया है वो एक वचन पुरलिंग अन्य पुरुष के अनुसार लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं, दो भिन्न भिन्न लिंग के कर्ता हो तो, दो भिन्न भिन्न लिंग के कर्ता हो तब क्या होगा, क्रिया बहुवचन पुरलिंग होगा, दो भिन्न भिन्न लिंग के हो तो क्या होगा, ठीक है। जैसे राम सीता वन को जा रहे हैं, माता और पिता बाहर बैठे हैं, माता और पिता बाहर बैठे हैं, ये देखिए अब अलग अलग लिंग है माता और पिता, ठीक है, तो ये कर जो 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 क्रिया जो है बहुवचन होगा, बैठे हैं ये बहुवचन है ना, बैठना एक वचन है और बैठे बहुवचन है, और पुरलिंग के अनुसार होगा, ठीक है। दो भिन्न लिंग के आता है तो माता और पिता बाहर बैठे हैं, यह होगा। अगला चलते हैं, अगला है एक ही लिंग वचन पुरुष के हो तो क्रिया बहुवचन एवं लिंग कर्ता के अनुसार होता है। क्या क्या बोला भाई, एक ही लिंग वचन पुरुष के हो तो क्रिया बहुवचन एवं लिंग जो है कर्ता के अनुसार होता है, एक ही लिंग के हो, जैसे दिनेश रमेश विजय और कुशल बाजार जा रहे हैं, ठीक है, राम श्याम बाजार जा रहे हैं, जैसे लिख देते हैं हमें, अरे यार इसको बार बार से करना पड़ता है, राम श्याम दोनों बाजार जा रहे हैं, दोनों बाजार जा रहे हैं, ये देखिए क्या बोला है, एक ही लिंग के हो, जैसे राम और श्याम एक ही लिंग है, पुरलिंग है, तो क्या होगा, जो क्रिया बहुवचन होगी, देखिए जा रहे हैं क्रिया बहुवचन है, और जो लिंग वो कर्ता के अनुसार होगा, ठीक है, तो राम और श्याम दोनों बाजार जा रहे हैं, ये हो गया। अगला देखिए, यदि लिंग अलग अलग है ना, यदि अलग अलग लिंग वचन पुरुष हो तो क्रिया बहुवचन अंतिम कर्ता के अनुसार लिंग होता है, अंतिम कर्ता के अनुसार लिंग होता है, जैसे एक पुरुष दो बच्चे और एक महिला सड़क पर जा रही हैं, एक पुरुष दो बच्चे
इसको देखिए, इसका देखिए है ना, एक पुरुष, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, एक पुरुष दो बच्चे और महिला, सड़क पर जा रही है, सड़क पर जा रही है। एक पुरुष दो बच्चे और महिला सड़क पर जा रही है। देखिए अंतिम जो रहेगा ना कर्ता, उसके अनुसार एक की रही है। अगर यही होता कि एक महिला दो पुरुष और एक महिला दो बच्चे एक पुरुष सड़क पर जा रहे हैं, यदि पुरुष यहाँ होता तो ये होता जा रहे हैं, महिला है इसलिए हो रही है जा रही है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कोई सर्वनाम पहली बार जिस वचन में प्रयोग होता है अंत तक उसी वचन का ही प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, कोई जो सर्वनाम है ना, कोई सर्वनाम पहली बार जिस वचन में प्रयोग किया गया है अंत तक उसको उसी वचन में ही प्रयोग करना होता है, ऐसा रूल है। जैसे देख लीजिए, जैसे ये होगा कि हम तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे, है ना, या फिर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुमने मेरा सामान लौटा दिया, मैं तुमसे नाराज, यहाँ देखता हूँ कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ठीक है, आपने मेरा सामान लौटा दिया। यहाँ पे देखिए, इसमें कौन सा सर्वनाम लगा है, तुम, जो आपका सेकंड पर्सन है। ठीक है, नाराज, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ठीक है, आपने मेरा सामान लौटा दिया, तो ये आपने जो लिखा है ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये जो आपने जो लिखा है यहाँ पे ये तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन, और हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि कोई सर्वनाम पहली बार जिस वचन में प्रयोग की जाती है उसको उसी वचन में होना चाहिए, तो ये आपने की जगह होना चाहिए तुमसे, ये ऐसा आपने की जगह होना चाहिए तुमसे। ठीक है, ये इस प्रकार तुमसे, तो मैं तुमसे, आपने की जगह होना चाहिए तुमने, ये सॉरी तुमने मेरा सामान लौटा दिया, तुमने होगा है ना, तुमने मेरा सामान लौटा दिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुमने मेरा सामान लौटा दिया, ऐसा होगा। ठीक है, तो कोई सर्वनाम पहली बार जिस वचन प्रयोग होता है लास्ट तक वो उसी वचन का रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ग्रंथाकार जो है ना, संपादक है, ग्रंथाकार है, किसी सभा का जो प्रतिनिधि है, अधिकारी है, वो अपने लिए हमेशा हम का प्रयोग करेगा, मैं का नहीं। देखिए, जो ग्रंथाकार होता है, संपादक है, ग्रंथाकार है, सभा का जो नेता है, प्रतिनिधि, अधिकारी है, ये अपने आप में पूरे चीज़ों को लेकर चलता है। जैसे ये संपादक है, संपादक पूरे वो अपने जितने भी उसके ग्रुप हैं, एडिटर ग्रुप, उसको साथ लेकर चलता है। ग्रंथाकार है, किसी सभा का जो नेता है, वो अपने पीछे पूरी भीड़ लेकर चलता है। देखें, भीड़ लेकर चलने का मतलब ये नहीं है कि वो इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है ना, ये लोग जो होते हैं ना, ग्रंथकार, संपादक, वो किसी न किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अधिकारी जो हो गया, वो पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे उस एरिया के लोगों का, या जो नेता है वो पूरे एरिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये लोग हमेशा हम का प्रयोग करेंगे, मैं का नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, इसको अब उदाहरण समझ लीजिए, जैसे अधिकारी अगर बोलता है तो हम अपने राज्य की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, है ना, हम अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखा है क्योंकि वो एक ग्रुप है, वो के जो एक जो अधिकारी है ना, वो पूरे ग्रुप के साथ काम करता है, अकेले वो अधिकारी काम नहीं करता, उसके नीचे कई अधिकारियाँ हैं। जैसे आप
कलेक्टर को ही ले लीजिए, तो कलेक्टर के नीचे कईयों अधिकारी हैं, कई कर्मचारी हैं, तो ये एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जो है ना ऑफिस सिस्टम उसका एक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो अपने या जब भी ऐसा कोई वर्ड उपयोग करेंगे तो वो मैं नहीं लिखेंगे, जैसे ये मैं ऐसा नहीं लिखेंगे कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। इसमें वो बोलेंगे कि हम अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार जगह नेता कोई बोलता है तो बोलेंगे, वो भी यही बोलेंगे कि हम अपने राज्य की या फिर हम अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे या फिर कार्य करेंगे। इस प्रकार ये होता है, संपादक ग्रंथकार हम का उपयोग करता है। और इसको आप पहचानेंगे कैसे, तो ये किसी न किसी रूप में किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब उसके पीछे पूरे ग्रुप रहता है, उस कार्य के पीछे है ना, उस कार्य के पीछे पूरे ग्रुप रहता है, इसलिए वो हम का उपयोग करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आदरणीय व्यक्ति और महापुरुषों के लिए क्रिया का प्रयोग बहुवचन में होता है। आदरणीय कोई व्यक्ति रहता है ना, उसके लिए हम क्रिया हमेशा बहुवचन में रहता है। जैसे मेरे पिताजी कल आएंगे, देखिए यहाँ पे क्रिया बहुवचन है, आएंगे, आएगा ऐसा नहीं होता, आएगा एक वचन है और आएंगे बहुवचन है। मेरे मेरे पिताजी कल आएंगे, मेरे पिताजी कल आएंगे, आएगा ये बहु एक वचन है और आएंगे बहुवचन है। देखिए वचन कैसे बदलते हैं ये भी मैंने बता दिया है ना, कहाँ पे ए की मात्रा रहेगा, कहाँ पे अम की मात्रा लगा के आपको वचन बहुवचन बनाना है, ये सब हमने वचन की क्लास में देख लिया है। तो मेरे पिताजी कल आएंगे, ये आपके पिताजी सम्मानी हैं। और या फिर स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे है ना, गए थे, गए ऐसे नहीं बोलेंगे, गए थे, गए गए आपका एक वचन हो जाएगा और गए थे बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला है हमारा, प्रश्न शब्द के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है, पूछना नहीं होता। देखिए ये हमेशा आता है कि प्रश्न का मतलब ही पूछना होता है, प्रश्न इक्वल टू पूछना, प्रश्न इक्वल टू पूछना। तो कई अगर वाक्य शुद्धिकरण में आता है कि शिक्षक ने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न का मतलब ही पूछना होता है। जैसे हम अगर पर्यायवाची अगर देखते हैं वर्डों के हिसाब से, तो प्रश्न इक्वल टू होता है पूछना। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, शिक्षक ने छात्रों से प्रश्न किया, या फिर राम ने प्रश्न किया। ठीक है, राम ने प्रश्न किया, राम ने प्रश्न किया, इस प्रकार ये शब्द बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, वाक्य में एक भाव के लिए एक शब्द होना चाहिए, वाक्य में एक भाव के लिए केवल एक ही शब्द होना चाहिए, ये वाक्य शुद्धिकरण में आएगा। जैसे वह घर घर वापस लौट आया। देखिए यहाँ पे वापस और लौट दोनों एक ही अर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका मतलब एक ही होता है, लौट कर आना और वापस आना, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो या तो आप ये लिखिए कि वह घर लौट आया, या फिर ये लिखिए कि वह घर वापस आया, या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड रहते हैं, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि जो एक ही अर्थ प्रदान करे कोई वर्ड, तो उसको आपको इस प्रकार लिखना होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। विशिष्ट या फिर उचित शब्दों का प्रयोग किया जाए, विशिष्ट या फिर उचित शब्दों का प्रयोग किया जाए। कहीं भी आप जैसे भवन निर्माण, जैसे भवन के लिए, जैसे ना जैसे भवन, यदि भवन बन रहा है तो भवन की रचना नहीं होती है, भवन का निर्माण होता है। ठीक है, अगर काव्य देखा जाए तो काव्य का निर्माण नहीं होता है, काव्य की रचना होती है। ठीक है, तो उचित कार्य के लिए उचित शब्द, तो भवन का निर्माण होता है और काव्य का रचना होता है, ये गलत होगा। तो उसी प्रकार आपको उचित शब्दों का उपयोग करते हुए सब कुछ को लिखना होगा। आगे देखते हैं। एक ही वस्तु व्यक्ति जीव हेतु पहले
संज्ञा आता है उसके बाद सर्वनाम आता है, तो इजी है। यदि आप जैसे हमने पढ़ाया सर्वनाम पढ़ाया है कि यदि एक ही वर्ड के लिए आप सर्वनाम का उपयोग करेंगे लेकिन सर्वनाम पहले नहीं आएंगे, जैसे ये देखिए सीता ने आम खाया, सीता ने आम, सीता ने आम खाया, सीता ने आम खाया, सीता ने आम खाया, ठीक है। वह घर से बाहर निकली, या फिर खाकर, इसे खाकर लिखते हैं, खाकर घर से, वह घर से बाहर निकली, ये होता है, वह घर से बाहर निकली। सीता ने आम खाकर घर से, सीता ने आम खाकर खाया, नहीं ये गलत हो रहा है, सीता ने आम खाए, गलत हो गया जी, फिर से लिखना पड़ेगा, किसी और अच्छे से और अच्छा वर्ड देखता हूँ इसके लिए। जैसे शिकारी ने उस पर गोली चलाई किंतु शेर बच निकला, शिकारी ने उस पर गोली चलाई परंतु शेर बच निकला, यहां देखिए, यहां बोला कि एक ही वस्तु व्यक्ति के लिए यदि आप सर्वनाम उपयोग करते हैं तो पहले संज्ञा आना चाहिए बाद में सर्वनाम आना चाहिए, तो यहां देखिए, यहां पहले सर्वनाम आ चुका है उस पर, ठीक है, यहां पहले सर्वनाम आ चुका है और संज्ञा बाद में आ रहा है शेर, तो ये गलत है। तो वाक्य ऐसा होना चाहिए था कि शिकारी ने शेर पर गोली चलाई परंतु वह बच कर निकल गया, तो ये शेर पहले आएगा और उस पर यहाँ पे आएगा, यही बोल रहा है कि एक ही व्यक्ति वचन के लिए आप संज्ञा और सर्वनाम यूज़ करेंगे तो पहले संज्ञा आएगा बाद में सर्वनाम आता है, ठीक है। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण अन्य विशेषण से पहले आता है, जो सार्वनामिक विशेषण होता है ना वो अन्य विशेषण से पहले आता है, जैसे मेरा भाई बहुत मोटा है, मेरा भाई बहुत मोटा है, जैसे ये देखिए मेरा भाई बहुत मोटा है। अब इसको कैसे लिख सकते थे, भाई मेरा बहुत मोटा है, ऐसा बोलते हैं आजकल के, है ना, भाई मेरा बहुत मोटा है, जबकि ये गलत है ना, ये सार्वनामिक विशेषण है, ये पहले आना चाहिए, मेरा, मेरा भाई बहुत मोटा है, भाई मेरा बहुत मोटा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलचाल की भाषा में आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं पर ये सही नहीं है, भाई मेरा बहुत मोटा है, सॉरी मेरा भाई बहुत मोटा है ये सही है, और भाई मेरा बहुत मोटा है ये गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं, निषेधवाचक में नहीं ना मत का प्रयोग क्रिया के पहले होना चाहिए, निषेधवाचक है उसमें नहीं ना का प्रयोग जो है आपके क्रिया के पहले होना चाहिए, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये जो है ये शब्द जो नहीं शब्द है ना वो इस क्रिया के पहले होना चाहिए, क्रिया है ना जाना और ये नहीं इसके पहले होना चाहिए, वही बोला है कि क्रिया के पहले नहीं का उपयोग होना चाहिए, तुम वहाँ मत बैठो, तुम वहाँ मत बैठो, तुम वहाँ मत बैठो, ये देखिए बैठना एक क्रिया है और मत उसके पहले लगा गया है, ठीक है, तो तुम वहाँ मत बैठो, ये होता है। उसके बाद है केवल का उपयोग, वहाँ होता है जहाँ केवल बल देना रहता है, केवल का जो उपयोग है, जो केवल शब्द है उसका उपयोग वहीं होता है जहाँ बल देना होता है, जैसे केवल तुम डराना चाहते हो, या फिर तुम केवल डराना चाहते हो, केवल का उपयोग वहीं होना जहाँ डराना चाहते हो, जैसे केवल, देखिए अलग अलग जगह में लिख के बताता हूँ,
तुम केवल डराना चाहते हो, तुम केवल डराना चाहते हो, ठीक है, केवल तुम डराना चाहते हो, केवल तुम डराना चाहते हो। देखिए अब दोनों का अंतर समझिए। तुम केवल डराना चाहते हो मतलब तुम्हारा उद्देश्य केवल डराना है, ये पहले वाक्य का अर्थ है। और दूसरे वाक्य का अर्थ है कि इन सभी में से केवल तुम डराना चाहते हो। समझ आया? यहाँ ग्रुप ऑफ, इसके लिए एक ग्रुप ऑफ लोग हैं बहुत सारे, उसमें से केवल एक व्यक्ति है जो केवल डराना चाहता है, ठीक है। और इसमें तुम केवल डराना चाहते हो मतलब तुम और भी काम कर सकते हो, हंसा सकते हो, रुला सकते हो, लेकिन केवल तुम केवल डराना चाहते हो और तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति का उद्देश्य है और यहाँ केवल एक व्यक्ति का कार्य है, बाकी व्यक्ति डराना नहीं चाहते, केवल तुम ही डराना चाहते हो, ठीक है। ये होता है हमारा वाक्य शुद्धिकरण का रोल। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।